भारत में रहने वाले लगभग हर एक नागरिक को ये पता होगा कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बहुत ही जल्दी लागू होने वाला है। जीएसटी भारतीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार लेके आने वाला है, ये सभी विशेषज्ञों का मानना है। पर क्या आपको पता है कि जीएसटी क्या है और इसमें आपके लिए क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? इस वीडियो श्रृंखला का यही उद्देश्य है, इन बड़े बदलावों से आपको परिचित करना। आने वाले कल को समझने के लिए बीते हुए कल को समझना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम आरंभ करेंगे हमारे मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के साथ। जीएसटी के असली महत्व को परखने के लिए हमें सबसे पहले आज के एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और इसी माध्यम से हम समझ पाएंगे कि जीएसटी वाकई में है क्या। यहां दो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, टैक्सेबल इवेंट, सरकार कब जीएसटी हमारे ऊपर लागू कर सकती है। आइए शुरुआत करते हैं भारत के मौजूदा कर व्यवस्था के बात को लेकर। भारत की कर व्यवस्था में दो प्रमुख किस्म के कर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसे किस्म का टैक्स है जहां पे जिस व्यक्ति को लाभ हुआ है उसी व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आयकर यानी कि इनकम टैक्स पकड़ लीजिए। यहाँ पे जिस व्यक्ति को इनकम मिलती है उसी व्यक्ति को आयकर या इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़े अलग है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस या ऐसे कर है जहां पे किसी को लाभ मिलता है और कोई और व्यक्ति टैक्स का भुगतान करता है। उदाहरण के तौर पे लीजिए सर्विस टैक्स। आज के तारीख में सर्विस टैक्स सेवा यानी सर्विसेज पे लागू होता है। यहाँ पे जो व्यक्ति सेवा का लाभ उठाता है वो व्यक्ति सर्विस टैक्स नहीं भरता, बल्कि जो व्यक्ति वो सेवा प्रदान करता है वो व्यक्ति सर्विस टैक्स के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के तौर पे लीजिए, अगर आपने एक होटल में जाके खाना तो आपने खाया, सर्विस टैक्स आप भरेंगे, आप में बिल में शामिल होगा, लेकिन वो सर्विस टैक्स यानी सेवा कर सरकार को भुगतान करेगी वो रेस्टोरेंट या वो दुकान जहां पे आपने खाना खाया है। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच का फर्क। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कृपया इसे ध्यान में रखिए। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर इस किस्म का कर है जहां पे कर भुगतान की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति पर आती है जिस व्यक्ति ने लाभ पहुंचाया है, जिसने सेवा प्रदान की है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। भारत की कर व्यवस्था जो कि आजादी के पहले से दशकों से सदियों से चलती आ रही है, जीएसटी उस कर व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। वर्तमान कर व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस केंद्र से लागू होते हैं और बहुत सारे अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस राज्य के स्तर पर लागू होते हैं, और ऐसे दो स्तरीय कर व्यवस्था का नतीजा आप समझ सकते हो कि भारत में आज के तारीख में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के नाम पे पक रही है एक कर खिचड़ी। इस कर खिचड़ी में केंद्रीय स्तर पे इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है कि आप उनके नाम ही पढ़ के हैरान हो जाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, CVD, सर्विस टैक्स, सरचार्जेस, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, और ये है सिर्फ केंद्रीय स्तर की कर खिचड़ी। राज्य स्तर पे आते हैं वैट, बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। मुझे ये लग रहा है कि इन सारे कर के नाम पढ़ के आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि आज के तारीख में भारतीय कर व्यवस्था कुछ ज्यादा ही कठिन और जटिल है। पर घबराइए मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की संख्या को कम करने के लिए आ रहा है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।